नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में परीक्षा देने जाने का क्या मतलब होता है। तो सपना में परीक्षा देने जाने का मतलब जानने से पहले आप सभी मित्रों से मैं वही पुराना निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया अपनी उंगली उठाकर सब्सक्राइब की बटन पर रखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके सिवा बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और सपने के बारे में आप जानकारी पाकर अपने आने वाले परेशानी से बच सकेंगे। आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर पर। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में ऐसा देख रहा है कि वह सपने में परीक्षा देने जा रहा है तो यह एक बुरा सपना है, अच्छा सपना भी है, या इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको किसी कार्य में रुकावट के बाद में सफलता प्राप्त होगी। आप कोई कार्य करना चाह रहे हो तो उसमें रुकावट आएगी लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यह अच्छा सपना भी है और कुछ लोगों के लिए बुरा सपना भी माना जा सकता है। इसके सिवा अगर कोई विद्यार्थीगण इस सपने को देख रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि उसे थोड़ा परिश्रम करने की अधिक आवश्यकता है, उसे पढ़ाई में मन लगाने की अधिक आवश्यकता है ताकि वो अपने परीक्षा में सफल हो सके, उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। ज़्यादातर यह सपना विद्यार्थियों को या ऐसे किसी कार्य के रुकावट आने पर ही यह सपना दिखाई देता है। और अगर यह सपना मानसिक चिंतन के कारण दिखाई देता है कि वह बार बार अपने परीक्षा के बारे में सोच रहा है और फिर वह सपना दिखाई देता है तो यह सपना मान्य नहीं होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।